हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि आमी का पन्ना किस तरीके से बनता है। क्योंकि अभी फरवरी है, इतनी जल्दी नहीं बनता, लेकिन अभी गर्मी ज्यादा है। गर्मी अभी से ही पड़ने लगी है, इतनी भी गर्मी नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी थोड़ा हल्का ठंडा खाने का मन करता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आमी का पन्ना किस तरीके से बनता है। ये देखो, ये मैंने आमी को बॉईल कर लिया। देखो, आमी को ऐसे बॉईल अच्छे से करना चाहिए, जैसे इस तरीके से मैंने कर रखी है कि आमी फट गई बिल्कुल, इससे पन्ना बहुत अच्छा बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जो ये गुठली है, और फिर इसको मैंने ठंडा कर लिया है क्योंकि हाथ जलता है, फिर गरम गरम में हम करते हैं। देखो इस तरीके को हम सारी आमी को अच्छे से, इसका जो अंदर का गूदा होता है वो अच्छे से हम निकाल लेते हैं। ये देखो इस तरीके से पूरी आमी का आराम से निकल जाता है। अगर उबली हुई अच्छी हो तो अपने आप ही निकल जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये अभी मेरा थोड़ा गर्म ही है, निवाया सा है। देखो इस तरीके से सारे को आप अच्छे से निकाल लो। ये देखो मेरा बिल्कुल निकल गया है, ये छिलके। ये देखो इस तरीके से ये मेरा सारा आमी का जो गूदा था वो मैंने निकाल लिया, छिलका अलग कर दिया, गुठली अलग फेंक दी थी। ये थोड़ा सा गरम गरम है, हल्का निवाया सा है। इसमें जब ज्यादा ठंडा हो जाता है तो ग्राइंड नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा गर्म ही बनाना चाहिए। अब इसमें देखो मैं आपको मसाले बनाती हूँ, बताती हूँ क्या गिरेगा, क्योंकि ये खट्टा मीठा बनता है, इसलिए हम इसमें क्या डालते हैं, पहले चीनी डालते हैं। चीनी स्वाद अनुसार कितना मीठा आप खा सकते हो, तो मैं तो इसमें 3 कलछी चीनी डालूंगी। ये देखो मैंने इसमें 3 कलछी चीनी डाल दी है। छोटी 1 स्पून भुना हुआ जीरा डालूंगी, ये देखो भुना हुआ जीरा है ये, ऐसे ही इसमें 1 छोटी स्पून पुदीना डालूंगी। ये देखो ये पुदीना है। तो ये मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, बिल्कुल छोटा वाला स्पून है उससे, क्योंकि मेरी मिर्च हाथ की पिसी हुई है, ज्यादा तेज से मैं कम ही डालूंगी, आप अपने स्वाद अनुसार डालो। देखो मैं ये 1/2 स्पून नमक डाल रही हूँ, देखो आप जितना भी खाते हो उस तरीके से आप डाल लीजिए। इसमें डाल रही हूँ, अब इसमें लास्ट में डाल रही हूँ हींग। हींग देखो मैं बिल्कुल छोटा जो स्पून है वो चम्मच भर के डाल रही हूँ, क्योंकि हींग का ही इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हींग की कंजूसी बिल्कुल ना करें बनाते समय, हींग अच्छे से डालें। ये देखो मैंने थोड़ी और भी डाली है। अब मैं इसको क्या करूंगी, ग्राइंड कर लूंगी। ये देखो मैं इसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर रही हूँ। देखो ये पूरी तरीके से ग्राइंड हो गया है, क्योंकि अभी मौसम इतना गर्मी का नहीं है, तो इसलिए हम इसमें बर्फ नहीं डाल सकते। अगर गर्मियां ज्यादा हो तो मैं इसमें क्या करती हूँ, डायरेक्ट 1 कटोरी बर्फ डाल के और इसको फ्रीजर में लगा देती। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ और फिर इसको फ्रीजर में लगा दूंगी, क्योंकि बर्फ डालते तो हम पानी नहीं डालते, क्योंकि बर्फ है जो उसका पानी बन जाता है, इसलिए हमें जितना पतला ये करना है। मैं बहुत ज्यादा पतला नहीं रखती हूँ उसको, मैं गाढ़ा ही रखती हूँ, तो बहुत ज्यादा पतला फिर अच्छा भी नहीं लगता। इस तरीके से मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया और हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दूंगी, क्योंकि बर्फ तो जो है पानी पिघला देती है, इसलिए बर्फ के मैं उसमें सीधा बर्फ डाल देती हूँ जब पानी नहीं डालती। इस तरीके से मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं इसको फ्रीजर में लगा दूंगी। ये देखो इस तरीके से मेरा पूरा पन्ना आमी का तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।